तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबी इलेक्ट्रोटेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास है TDA 2030 IC में 2.1 चैनल होम थिएटर का ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। तो चलिए इसका करते हैं वायरिंग और सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल AB इलेक्ट्रोटेक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, ये है TDA 2030 IC का 2.1 चैनल ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। देख पा रहे हैं 2.1 और 4.1 के जो साउंड सिस्टम आते हैं उनमें इस बोर्ड का यूज होता है। यहाँ पे TDA 2030 IC लगी हुई है, टोटल 3 ICs हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की, तो ये 45 वाट आउटपुट करता है, 15 वाट पर चैनल। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पहला और दूसरा IC है ये सैटेलाइट स्पीकर को चलाने के लिए है, और जो ये तीसरा IC है ये सबवूफर को चलाती है। फ्रेंड्स, कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये 3 पिन का बड़ा वाला कनेक्टर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा 12012। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, तो आप इसमें 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। मैं आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाता हूँ किस तरीके का होगा। देख पा रहे हैं ये है ट्रांसफार्मर, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट AC इनपुट करेंगे और इसमें आउटपुट निकलेगा 12012 AC ही। तो जो ये 12012 है ये इस बोर्ड से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है 12012 इस ट्रांसफार्मर से। फ्रेंड्स, ये है SP यानी कि स्पीकर। ये यहाँ पे 3 पिन है, बीच वाला ग्राउंड है और ये बाकी लेफ्ट और राइट। अगर आप इसको 4.1 बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट चैनल में 2 स्पीकर पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, और इसी तरीके से राइट चैनल में 2 स्पीकर पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। देख पा रहे हैं इसमें टोटल 5 पिन हैं। पहला जो है ये 5 वोल्ट का है। यहाँ पे जो 7805 रेगुलेटर IC लगी होती है वो 5 वोल्ट के लिए होती है, यहाँ पे लगी नहीं है। अभी जब हम वायरिंग करेंगे तो इसमें हम लगाएंगे। मैं आपको IC दिखा देता हूँ। ये है, देख पा रहे हैं ये 12 वोल्ट को स्टेप डाउन करता है 5 वोल्ट में, और 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है हमें इस तरीके के ब्लूटूथ कार्ड को चलाने के लिए। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरा और पांचवा जो है ये ट्रेबल के लिए है। आप इसमें ट्रेबल का कनेक्शन कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं 100K का, और ट्रेबल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरा और चौथा, यहाँ ऑडियो इनपुट होगा लेफ्ट और राइट चैनल का, जो कि इन दोनों रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। मैं आपको उल्टा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ लेफ्ट और राइट कनेक्ट होगा ऑडियो इनपुट। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक 4558 IC है, ये बेस फिल्टर IC है। आप जो यहाँ पे ऑडियो इनपुट करेंगे उस ऑडियो में जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसके फ्रिक्वेंसी को लो कर देता है और इस IC को देता है, और ये IC इसके सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ से आउटपुट करती है। यहाँ पे सबवूफर कनेक्ट होगा, आप इसमें 4 इंच का सबवूफर कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बजता है। और यहाँ पे बेस का पोटेंशियोमीटर कनेक्ट होगा। यहाँ पे 7805 IC को लगा दे रहा हूँ, मैंने इसमें हीट सिंक लगा लिया है। देख पा रहे हैं इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा के सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसके 5 वोल्ट के आउटपुट में, यहाँ पे इस तरीके से। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमने कैपेसिटर को भी सोल्ड कर दिया है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देना है 12012। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर दिया है। फ्रेंड्स, लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इस 4 इंच सबवूफर का यूज कर रहा हूँ। इस वूफर का कनेक्शन यहाँ पे होगा इस कनेक्टर में, जो ये 2 पिन का कनेक्टर है, तो वूफर का कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरीके का 2 इंच का स्पीकर है, तो मैं इन छोटे स्पीकर का ही यूज करूंगा, बट आप बड़े स्पीकर का यूज करना, तो मैं इनमें भी वायर सोल्ड कर दे रहा हूँ। इन दोनों स्पीकर के माइनस वायर को एक साथ कनेक्ट कर देना है ऐसे। देख पा रहे हैं इन दोनों स्पीकर के वायर को यहाँ पे सोल्ड करना है। बीच वाला ग्राउंड है लेफ्ट चैनल का आउटपुट और ये राइट चैनल का आउटपुट है, तो मैं इनको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये
इसको कंट्रोल करने के लिए मैं इस पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहा हूँ जो कि 47 के का है। मैं इसमें इस वायर को सोल्ड कर दे रहा हूँ। ये 3 पिन का कनेक्टर है, मैं इसमें इस पोटेंशियोमीटर को सोल्ड कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस ब्लूटूथ कार्ड में मैं इस वायर को सोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। ब्राउन और ब्लैक वायर जो है ये 5 वोल्ट इनपुट के लिए है, हम इसमें 5 वोल्ट इनपुट करेंगे इसे ऑपरेट करने के लिए। ये प्लस है और ये माइनस, ये ऑडियो आउटपुट का सेक्शन है, देख पा रहे हैं। ये राइट चैनल का ऑडियो आउटपुट है, ये ग्राउंड, ये लेफ्ट चैनल का ऑडियो आउटपुट। वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहा हूँ जो कि 100K का है और इसमें टोटल 6 पिन्स हैं। लेफ्ट साइड के इन दोनों पिन को एक साथ कनेक्ट कर देना है, देख पा रहे हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो आउटपुट का वायर है, तो ये ऑरेंज वायर जो है ये ग्राउंड है, तो जो हमने ये शॉर्ट किया है इन दोनों पिन को, यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है, देख पा रहे हैं ग्राउंड को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ लेफ्ट और राइट चैनल का कनेक्शन कर देना है। ये लेफ्ट और राइट चैनल का आउटपुट हो जाएगा, तो मैं इसमें भी वायर सोल्ड कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लैक वायर ग्राउंड है, तो ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे जो इन दोनों पिन को हमने शॉर्ट किया था इस तरीके से, देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सभी एम्पलीफायर में वॉल्यूम का कनेक्शन होता है, आप किसी भी एम्पलीफायर में इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये ऑडियो आउटपुट का वायर और सप्लाई का वायर जो 5 वोल्ट का है उसका ग्राउंड और ये ऑडियो आउटपुट का ग्राउंड एक साथ कनेक्ट कर देना है, इन दोनों माइनस वायर को एक साथ ही कनेक्ट कर देना है, देख पा रहे हैं। इस एम्पलीफायर बोर्ड में तीसरा और चौथा ये ऑडियो इनपुट का वायर है, लेफ्ट और राइट चैनल। मैं यहाँ पे तीसरे और चौथे में ये इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और ये जो 5 वोल्ट का वायर प्लस है यहाँ पे इस कैपेसिटर के प्लस में कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर लगाया था, और ये माइनस वायर जो है इसके माइनस में कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं 5 वोल्ट का कनेक्शन हो गया है। अब ऑडियो का कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे ऑडियो इनपुट कर देंगे ये तीसरे और चौथे नंबर पिन पर। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट एसी इनपुट कर दे रहा हूँ और इस कार्ड में सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूँ कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। देख पा रहे हैं डिस्प्ले में पावर आ गई है। ये वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर है और ये बेस का। मैं इस पेन ड्राइव के थ्रू इसमें सॉन्ग प्ले करूँगा, आप इसके वॉइस को सुनने के लिए हेडफोन का यूज करें, तभी आपको इसके वॉइस का पता चल पाएगा। तो मैं इसमें सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, काफी क्लियर साउंड है। फ्रेंड्स, स्पीकर में 1% भी नॉइज नहीं है, आप सुन पा रहे हैं। अब मैं बेस को इंक्रीज करके आपको इस बूफर का बेस सुनाता हूँ। जब ये बूफर इंक्लोजर के अंदर होता तो और तगड़ी बेस आती।
फ्रेंड्स आपने सुना इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इस तरीके से आप होम थिएटर बोर्ड की वायरिंग आसानी से घर पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।